बोलिए सद्गुरुदेव की साहेब। कल मैंने सत्यलोक का वर्णन किया था। ये सब बातें दंतक कथाएं नहीं है, इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। धर्मराज जी अब शायद से एक बात पूछ रहे हैं, हे समरथ मैं तुम बलिहारी, संतन महिमा कहो विचार। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, मुझे बताइए संत कौन होता है। अक्सर मैं इस प्रसंग को उठाता हूं। इस समय हमारे भक्ति का भक्ति क्षेत्र खट दर्शन के हाथ में है। जैसे सड़क आदि एक मिनिस्ट्री के अधीन है, इरिगेशन, इलेक्ट्रिक पावर, इस प्रकार वर्तमान में धर्म क्षेत्र का संचालन खट दर्शन करते हैं। ये खट दर्शन क्या है? योगी जंगम सेवड़ा कर्मकांडी सन्यासी दरवेश, खट दर्शन सभी काल के रेश। अब यहां साहब ने खट दर्शन बोला कि भक्ति का संचालन खट दर्शन करता है, पर ये सब तीन लोक तक की बात कहते हैं, हम इन्हें बुरा नहीं बोल रहे। चार मुक्ति तक की बात करते हैं। आइए देखते हैं खट दर्शन क्या है। अब वो एक सवाल पूछ रहे हैं, हे समरथ तुम बलिहारी, संतन महिमा कहो विचारी, कैसे संत रूप पहचानी, महिमा तास कौन बिज जानी, कैसे भेद तास को पावे, कैसे परम संत बसावे, और संत एक देह बताई तुमको आए कहो ये भाई। वाह, कह रहे हैं संत क्या है, कैसे रहते हैं, उनकी रहन गहन क्या है, ये बताओ। आपने खट दर्शन के लिए तो बोला कि वो भक्ति का संचालन करते हैं। पहला है योगी, योगी चक्र भेदन चक्र शोधन बोलता है। योगी का एक लक्ष्य है। योगी कहता है तुम अपने अंदर की ताकत का सृजन करो, योग करो और अपनी शक्ति को जगाओ। अब साहब कह रहे योग की गत मुक्ति न होई। दूसरे हैं जंगम, शिव पार्वती का विवाह कराते हैं, मयूर पंख सर पे बांधते हैं, घंटी बजाते हैं, पैसा हाथ में नहीं लेते हैं, पैसा घंटी में लेते हैं। तीसरे हैं सेवड़ा, इन सेवड़ों को विविध रूप से जाना जाता है, ये पूरे देश में है। इन्हें तांत्रिक भी कहते हैं, ओझा भी कहते हैं और मशानी भी कहते हैं, सिद्ध भी कहते हैं, आदि कई नामों से ये जान, चेला भी कहते हैं। सेवड़ों को कई नाम से जाना जाता है। ये क्या है? ये मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि सिद्धियां और तंत्र विद्या को बताते हैं। रहते शमशान घाट में है, वो तंत्र शक्ति से बंगाल में आसाम में ये जादू काफी है। वो इष्ट मानते हैं देवी चंडी काली को और शिव जी को भी, इसलिए तंत्र विद्या आती है तमोगुणी में, वो यही। इस समय भारतवर्ष में
तामस भक्ति ज्यादा, इसमें खान पीन की कोई परहेज नहीं है, रहन सहन की परहेज नहीं है। कर्मकांडी ग्रह नक्षत्रों का वैदिक सिद्धांत के अनुसार जीवन क्रिया और खटकर्म करते हैं, उसके द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। पहला जन्म संस्कार यानी नामकरण आदि, वो ये कराते हैं समाज में। दूसरा अब जन्म संस्कार में क्या करते हैं, किस ग्रह कुंडली का कौन स्वामी है, जन्म कुंडली का आदि। दूसरा नामकरण संस्कार, वो नाम आदि ग्रह नक्षत्र और स्थिति के अनुसार रखते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, पितृतर्पण संस्कार, मृत्यु संस्कार आदि कर वेद रीति से। चौथे सन्यासी है, वो कौन सा रास्ता बताते हैं कि सन्यासी बनकर इंद्रियों का दमन करो और अपने स्वरूप को जानो, अहम ब्रह्मस्मि। तो सन्यासी ये बताते हैं, उसके बाद हैं दरवेश लोग जो निर्गुण भक्ति बोलते हैं, ये खटदर्शन वर्तमान में भक्ति का संचालन करते हैं। और कई कई लोग इन चीज़ों से जुड़े हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा तंत्र विद्या पर जोर है। अब साहब कह रहे हैं संस्कृत में कहूँ बखाना, तुमसे भेद कहूँ निर्वाणा। प्रथम पुरुष आप निर्वाणा, तब नहीं रचना अंश बखाना। तब कुछ भी नहीं था, परम पुरुष था। ये व्याख्या मैं कई बार दे चुका हूँ। फिर निरंजन की उत्पत्ति हुई, 14 यम हुए, तीर्थ व्रत नेम आचार आदि दान पुण्य ये स्थापित हुए। या मैं सकल जीव और जाई, अंतकाल पर धर धर खाई। अब साहब कह रहे हैं स्वर्ग आदि लोक में चल गए हो, ताते आके देह पर धरे हो, वो पुनः फिर शरीर को धारण किए। इस तरह अनंत काल तक एक भी जीव वापस परम पुरुष तक नहीं पहुंचा। फिर मैं संसार में आया। अब साहब क्या कह रहे हैं, अब ये एक मैटर बहुत अनूठा है कि साहब ये कह रहे हैं कि मैं मां के पेट में ही नहीं आया हूं। उनके भजन और साखियों में ये पुष्टि हो रही है, पर यहाँ साहित्यकारों ने इतिहासकारों ने एक बात लिख दी है कि कबीर एक जुलाहा था, उसकी शादी भी हुई, उसका बेटा बेटी भी था। वर्तमान में भी आप देखो साहित्यकार और मीडिया अभी भी एक अपने पैतरे से चलती है। बदस्तूर ये पाठ्यक्रम पुस्तकों में दिया गया और सबके दिमाग में यही भरा गया, कबीर एक जुलाहा था, अनपढ़ था, जहां से आई बात वहीं से कही। वाह वाह। आज आप राजनीति में भी देख रहे हैं दोषारोपण होते रहते हैं, केवल एक पार्टी की बात ही नहीं है, ये स्थिति ऐसी बनी हुई है। अधिकतर आप देखना बस एक और ये हवा अभी दुनिया में भी पहुंची है भारत से। अपना
प्रयोजन नहीं बोल रहे, बस एक दूसरे पर लांछन देना, ये चल रहा है। इसी तरह साहित्यकारों ने कबीर साहब को एक अदना सा आदमी बनाया। आगे वो कह रहे हैं, पर अपनी वाणियों में कई जगह वो उल्लेख कर रहे हैं। अब वो धर्मदास जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब साहब बोले, शब्द स्वरूप ही देह बनाए, अभी क्या छाड़ हम दीना, संत स्वरूप भेष गह लेना। कह रहे हैं शब्द का मेरा शरीर है। आपको ध्यान होगा, मैं दादू दयाल का वृत्तांत भी बताया था कि साहब शरीर नहीं थे, और दुनिया से जाने के टाइम पर ये पूरी दुनिया को दिखा करके भी गए। तो कह रहे हैं पांच तत्व गुण तीनों नाई धरी देह तब बसत युग में आई। कह रहे हैं पांच तत्व का शरीर नहीं था। इंद्रमती की कथा में भी आता है, साहब कह रहे मम देह पंच तत्व ते न्यारी, मम देह नहीं रचो करता रहा। अब कह रहे हैं मेरा शरीर ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, तत्व गुण से देह मोर न्यारी, कई जगह ये उल्लेख आता है। इस पर गंभीरता से चिंतन हो। सतनाम हम नाम धराया, सब जीवन को संध लगाया, हता विदेह देह धर लीना। वाह! इसलिए कबीर साहब की 52 कसनियां, उसका उल्लेख भी किसी ने नहीं किया, क्योंकि एक योजना ही जो थी कि इनकी ये विद्या पृथ्वी पर नहीं चले। काफी लोगों का इसमें अनहित हो रहा था। सब जीवन को संधि लिखाया। अभी भी आप देखें, ये जो बेगमपुरा एक्सप्रेस चलती है, कबीर साहब कह रहे हैं हम बेगमपुर के हम वासी। बेगमपुरा क्यों उस गाड़ी का नाम है, कोई चिंतन नहीं करता। काशी तक जाती है, क्योंकि साहब वहां रह रहे, अब तू बेगम देश हमारा है, बेगमपुर के हम है वासी। अब लोगों ने सोचा बेगमपुर काशी है, दरअसल बेगमपुर उन्होंने जहां दुख नहीं है, माया नहीं है, सतलोक का वर्णन किया। यावद अज देह धरा लेना, अज यानी अमर, मोर तन पंच तत्व से न्यारा, और शब्दों में भी आ रहे हैं, संतो अभिगत से चलाया, कोई भेद भ्रम ना पाया, ना हम रहले मात गर्भ में, बालक हो दिखलाया। तब पुनः जग में संत लखाई, सार नाम मता सब समझाई। अब साहब कह रहे हैं तब मैंने आकर दुनिया में सार नाम समझाया। आज देखो कई सार शब्द मिशन भी कई पंथ चल रहे हैं, जब उनसे पूछो वो क्या है, व्याख्या बड़ी अटपटी है। जो जीव संत शब्द की पाई, जीव असंख्य लोक पठाई। बोला बहुत से लोगों को मैंने संसार में सतलोक भेजा है। त्रेता में हम बहुत बहुत हम आए, मुनीन्द्र कहकर नाम धराए। कह रहे मैं फिर त्रेता में आया, कोटिन जीव को संध लखाए, एतिक जीव तभी मुक्त है। कह रहे इतने जीवों को तभी भी मैंने मुक्त किया। तीजे फिर द्वापर युग आई, मुनिकर्णा में नाम धराई। कह रहे फिर मैं द्वापर में भी मुनीन्द्र मेरा नाम था। काले जी धंस मुक्ता है, सत शब्द शब्द की संत रखा है। जीव असंख्य तारे आई, सतपुरुष की दर्श कराई। चारों युग हम
आया कि न हंसबार कलयुग नाम कबीर योग जीत उच्चार। अब कह रहे हैं संतों की बात सुनो। साहब ने एक शब्द कहा, सिंहों के नहीं लेहड़े, सिंहों के सुअरी की तरह बहुत बच्चे नहीं होते, संतों की नहीं पांति, संतों की पंक्तियां नहीं चलती है। जैसे भाई पंक्ति में हंस जा रहे हैं, पंक्ति में अपना बगुले जा रहे हैं, कौए जा रहे हैं, तो साहब कह रहे हैं हंसों की नहीं पंक्तियां, हंसों की पंक्तियां नहीं होती, दुर्लभ है वो। और संत न चले जमात, संतों की जमात नहीं है, ये बात गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे, संत दर्श दुर्लभ जग माही। अब संतत्व का व्याख्या दे रहे हैं कबीर साहब, कह रहे हैं सुकृत सुनो भेद निर्माणा अपनी उत्पत्ति कही, अब संतन को कहो संदेशा जय में तो लखो तास को भेजा। अब बोल रहे संत को पहचानना, तिनकी रहन गहन अब देव बताई, जाते तुम्हारी संत लखाई। बोलते हैं उनकी रहन गहन बताता हूं। अब आप लोग इसमें बुरा मान जाते हैं, कई चीजों पर बुरा मानते हैं, मैं साहब की वाणी का विश्लेषण दे रहा हूं। जब मैं ये बात कहता हूं ग्रस्त गुरु कभू न कीजिए, इन्हें को दूर ही तज दीजिए, बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, वो बड़ी निंदा करते हैं फिर मेरी, बोलते हैं ये नास्तिक है, ये किसी को मानता नहीं है, और लांछना इतनी जबरदस्त देते हैं कि क्या बताऊं। मैं शॉक प्रूफ हूं, मैं कहता हूं ध्यान नहीं देता हूं उस पर, कहते हैं कुछ एक जगह नहीं कहा साहब ने, कई जगह कह दिया, जाका गुरु है ग्रही चेला ग्रही होए, कीच कीचते धोते मैल न जाए कोई। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन, और हिदायत देते ग्रस्त गुरु कबो न कीजिए, इन्हें को दूर ही थे तज दीजिए। ये मेरी वाणी नहीं है, ये साहब की वाणी है। तिनकी रहन गहन अब देह बताई, जाते तुम्हें संत लखाई, जिससे तुम संत को पहचान सको। निर्गुण सर्गुण चाल से परे पुन सोई, सोई संत शिरोमण हुई। अब कह रहे हैं निर्गुण सर्गुण दोनों से जो परे हैं वो संत शिरोमणि है। तीर्थ व्रत और नेम अचारा इतने रहे संत सोन्यारा, वो इनसे न्यारे हैं। हालांकि शुभ कर्म वो बताने वर्जित नहीं कर रहे, दान पुण्य जग वर्ते धर्मा ये तो जग जानिए कर्मा, ये सब खट दर्शन और जगत के कर्म मानना है। पूजा जाप ने द्वितीया राखे सत्य नाम दृढ़ अभिलाखे, उसे एक सच्चे परमात्मा के नाम में रहे। 33 कोट देवगण भारी ये सब माया रूप निहारी, ये सब माया का रूप जानना। 10 अवतार स्त्री माया करता करजिन पूजा, कहत कबीर सुनो भाई साधो उपजे खपे सुदूजा। द्वितीया ध्यान अनित्य विचारे और अक्षय नाम हृदय में धारे, बाकी सब सुनो अनित्य माने, एक नाम को जानकर दूजा देह बहाए। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में अगर वो शुभ कर्म कर रहा है, तीर्थ व्रत कर रहा है, तो वर्जित नहीं किया, संतों ने वर्जित नहीं किया, लेकिन आगे चलना है ना। सोई सदगुरु संत काई ताकि परख में देह बताई, रहे विरक्त होए जग में सोई, विरही संत सोपुन हुई।
ग्रही नहीं, वो ग्रही रहता है। मुझसे कई लोग बोलते हैं, उदाहरण देते हैं, भाई फलाना संत भी शादी किया। मैं कहा बिल्कुल, कई महात्माओं का नाम गिनाते हैं। मैं कहता हूं बात सुनो, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब दुनिया का कल्याण करने चले तो सब कुछ छोड़कर चले, और उन्होंने अपनी गद्दी फिर अपने बेटे बेटियों को, भाई भतीजों को, पत्नी आदि को नहीं दी। ये बड़ी स्पष्ट बात है। साहब ने धनदास को भी कहा, बीज बिंद नहीं चले गुरुवाई, नाद बिंद से कर गुजरा गुरुवाई। वो यही कह रहे हैं, रहे विरक्त हुए जग में सोई, व्रही संत सोईपन हुई। अब यहां आलम यह है, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जग पति आए। हालत यह है, गुरुजी जाता है गद्दी बेटे को देके जाता है, यहीं अध्यात्म भ्रष्टाचार शुरू हुआ। वंशवाद, बेटा नहीं है तो भतीजा भांजा कोई भी मिला अपने कुल में गद्दी देता है, या बंदा मर गया तो जनानी गद्दी पर बैठ जाती है। भाई जनानी बैठ गई गद्दी पर, शिष्यों में इतने शिष्य थे कोई काबिल ही नहीं मिला। आप थोड़ा विचार करके देखें, ये प्रथा चल रही है। साहब ने इसको खंडित किया, तो मैं उनको कहता हूं भाई देखो, उन संतों ने शादी की, नानक देव जी ने ब्याह किया, दो पुत्र थे लक्ष्मीचंद और बाबा श्रीचंद, लेकिन गद्दी भाई लैणा को देके गए, बच्चों को नहीं दी। गोस्वामी जी ने भी शादी की, विरक्त हो गए। इस तरह से उन महापुरुषों ने फिर संसार को छोड़ा। अब साहब क्या बोल रहे हैं आगे, ग्रही होके कथे ज्ञान, अमली होकर धरे ध्यान, साधुओं के कूटे भग कहे कबीर ये तीनों ठग। कह रहे हैं अगर अमली कहे मैं प्रभु का ध्यान करता हूं तो ये तो झूठ है, बकवास है, वो तो नशे में। और योग का सिद्धांत है, भक्ति का सिद्धांत है ध्यान एकाग्र करना। ग्रही होकर कथे ज्ञान, खुद माया में लिपटा है दूसरों को ज्ञान दे। साधुओं के कूटे भग यानी विषय करे, सेक्स करे, इसको भग को कूटना बोला। कहे कबीर ये तीनों ठग, अब भाई ये मधु नहीं बोल रहा, ये तो साहब बोल रहे हैं। यह तो विश्वास धर्म है, द्वितीय जब तब ध्यान, पतिव्रता इनमें नहीं मक्के रोड़ा जान। पतिव्रता वो है जो पति के अतिरिक्त कहीं ध्यान नहीं दे, इसलिए भक्ति भी दो है। मैंने एक शब्द कई बार बोला है, दुनिया में दो नास्तिक है, एक है नास्तिक। नास्तिक कौन है, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, वो बालक के समान है, उसे समझाया जाए समझ जाएगा। दूसरा है महानास्तिक। महानास्तिक कौन है, जो कहता है मैं सबको मानता हूं, बड़ा भक्त बन रहा है, सबको मानता है, सब काम भी कर रहा है, उसकी कोई दिशा ही नहीं है, उसकी कोई दिशा नहीं है। नाम पीयू का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा केरा पूत कहे कौन को बाप। जो जाके शरणागति ताको ताकि लाज। सत्य नाम को गह रखे तजे द्वैत की आस, यानी उसी एक परमात्मा की उपासना में रहे। सत्य पुरुष को पावसी पूर्ण धर्म विलास, रहे एकता चित्तमो द्वितीया उसको जान, गगन मगन निस्दिन रहे सत्य भक्ति पहचान। वो सत्य भक्ति
सुकृत सुनो, ज्ञान अब सोई, कैसे संत लख पड़े बसोई। प्रथम संत को पावे जाएं, प्रेम प्रीत तब कीजिए ताई, यानी उनसे उनका सम्मान करना। करे बंदगी शेष नवाई, निज ग्रह तबे ताहे ले जाए। और भाव रखे प्रेम रखे, अष्ट धातु को काया जाना, सो उदार कैसे पहचाना। अष्ट धातु इस काया में ही है, इसमें सोना भी है, इसमें चांदी भी है, मिट्टी में ही तो ये निकल रहे हैं ना, जितने धातु हैं सब तो मिट्टी से निकल रहे हैं, ये शरीर भी मिट्टी का है। साहब ने इस पर बड़ा सुंदर शब्द कहा, इस घर भीतर नौ लग तारे, इसमें व्याख्या की है, इस घट भीतर तीन लोग हैं। कह रहे आरती कीजिए पुष्प को बहुत दीनता लाए, कागते हंसा भयो सत्य भक्ति जो पाए। अब साहब कह रहे हैं जो सत्य भक्ति प्राप्त कर लेता है कौए से हंस हो जाता है, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। इतनी प्रीत संत जब जाना तबे संत से निज मत ठाना, क्रिया कर तबे मुख बोले तबे संत दिल पर्दा खोले। संतों की वाणी में एक ताकत होती है, वो ताकत अद्भुत है। वृथा न होए संत ऋषि वाणी, देव ऋषि। मैं आपको एक वृतांत बताता हूं। सिकंदर बहुत नशा करता था और कैंसर से मौत हुई थी। जब पोरस से युद्ध करके अस्वस्थ हो गया था, वो वापस जा रहा था मकदूनिया, मैकडोनिश हिंदुकुश पर्वत के रास्ते से आया था, वो इजी है। तो एक जगह डेरा डाला, वहां एक महात्मा तपस्या कर रहा था संत। सिकंदर के मंत्री ने और सेल्यूकस इधर सेना लेकर गुप्त साम्राज्य पर हमला करने के लिए निकला। चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सेना को पराजित किया। यह भारत की ताकत है। और तब सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह उससे किया, समझौता करके वापस गया। लेकिन सिकंदर अस्वस्थ होने के कारण से वापस गया पोरस से युद्ध के बाद। हिमालय की श्रृंखला में एक महात्मा तप कर रहा था, उनके एक मंत्री ने उससे दीक्षा ले ली और सिकंदर से आकर बोला कि महाराज ये महात्मा बहुत उच्च कोटि के हैं, अपने कल्याण के लिए तुम भी उनके पास जाओ, आप विश्वास कर लो। मैं एंथेंस की बात बता रहा हूं, एंथेंस में मैं जाता रहता हूं, सिकंदर का वहां किला है और नीचे ऑडिटोरियम भी है सिकंदर का, जहां उसके शस्त्र रखे हुए हैं। उसके बगल में एक मंदिर है, मंदिर 2500 साल पहले का है। सिकंदर 526 ईस्वी पूर्व कुछ ऐसे आया था, महात्मा बुद्ध 526 ईस्वी पूर्व थे। तो सिकंदर भी उनके पास गया और जाकर महात्मा से प्रार्थना की कि मुझे भी दीक्षा दो।
महात्मा ने कहा तुम मेरे नियमों का पालन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दीक्षा नहीं देता हूं। सिकंदर में दिल में सोचा कोई बात नहीं है, ये नाम नहीं देता है तो रहने दो, मेरा मंत्री तो पहले ही दीक्षा लिया, उसी से पूछ लूंगा। वो आकर के अपने मंत्री से पूछा, मंत्री ने कहा नाम दीक्षा दी? बोला नहीं दी। अरे तुम ही बता दो क्या क्या बताया वो मैं करूंगा। उसने कहा महाराज मुझे उन्होंने बोला है कि ना आप दीक्षा नहीं देना, आप तो स्मरण करना। सिकंदर ने कहा भाई कैसे नमक हराम हो, इतने साल मेरे यहां रहे, दो मिनट उस महात्मा के पास गए उसी के हो गए, उसकी बात मान रहे हो मेरी नहीं मान रहे हो, जल्दी बताओ नहीं तो गर्दन कलम कर दूंगा। मंत्री ने कहा महाराज कल बताऊंगा। मंत्री ने विचार किया कि इसके चित्त से उतर जाएगा। इस तरह फिर दो तीन दिन बाद फिर सिकंदर ने कहा बता क्या दीक्षा दी, क्या बताया, क्या स्मरण दिया। उसने बोला महाराज एक दो दिन का मौका दो। बोला पहले भी तू मौका ले चुका है? बोला बताऊंगा। इस तरह थोड़े दिन उसने उसको पास किया, लेकिन सिकंदर अड़ा हुआ था। आखिर में उसने कहा महाराज कल मैं जरूर बता दूंगा पक्का। सिकंदर ने कहा ठीक है। सिकंदर की दरबार लगी हुई थी, मंत्री दरबार में उठकर खड़ा हुआ। उसने सेनापति को आदेश दिया सिकंदर को कैद कर दो। पूरी राज्यसभा चकित हो गई। मंत्री ने सिकंदर को कैद नहीं किया। दोबारा मंत्री ने बोला ए सेनापति सिकंदर बादशाह को कैद करो। उसने फिर भी कैद नहीं किया, बैठा रहा। तीसरी बार बोला हे मंत्री हे सेनापति तू जानता है ना मैं मंत्री हूं, तू मेरे अधीन है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं सिकंदर को कैद करो। इतने में सिकंदर क्रुद्ध हो गया, उठ के खड़ा हुआ, बोला ये क्या है तमाशा है, हे सेनापति मंत्री को कैद कर दो। एक मिनट में कैद कर दिया। उसने कहा रुको रुको महाराज, महाराज देखा मैं मंत्री हूं, ये सेनापति, आप बैठे हैं, मैंने इनको कहा इनको कैद कर, नहीं किया उसने अमल, क्योंकि यहां मेरी वाणी में ये अधिकार नहीं था। इस तरह जब आपने कहा कैद कर लिया, इस तरह महाराज मेरी वाणी में ये अधिकार नहीं है प्रभु की दीक्षा देने का, तो तुम्हारे से भी वस्तु चली जाएगी, मुझसे भी चली जाएगी। वाह, इसलिए आज मामला क्या है, झोली डंडा लिया, चार चेले बनाए, गाया बजाया और चले गए, थोड़े पैसे हो गए, टीवी में प्रोग्राम दिया महाराज फलाना फलाना एक 1000008 फलाना फलाना महाराज महामंडलेश्वर जी, बस काम चल जाता है। इतना आसान नहीं है। अब यहाँ साहब व्यंग कर रहे हैं, व्यंग बहुत अच्छे व्यंगकार थे, के लक्ष्मणन भी जो हैं उनके आगे हार जाना था। यहाँ साहब व्यंग कर रहे हैं, आप बूढ़े जलमाए, खुद तो डूब रहे और दे डूबाए। साहब ने अच्छे अच्छे व्यंग किए, उनकी वाणी कोकिला थी। तो आइए इस तरह वो सार नाम गुरु बिन नहीं पाए, पूरा गुरु अकै समझाए। साहब वाणी में ये बात बोल रहे, कह रहे आगे रहे विरक्त बोले सोई करनी कुछ दिन करी आज ब्रह्म अंतर लग पड़ी। इस तरह से उनकी सेवा का बड़ा महात्म दे रहे। तब
इतना खोज करे पुन जबई अजर अमर घर पावे तबई। तब वो जब प्रसन्न हुए नाम दान देते। अब एक अगम तुमसे भाखो सुकृत गोय कछु नहीं राखो। सत्पुरुष का अवतार है सो प्रकटे जग आए ऋषि मुनि ताको ना लखे गुप्त सो रहे समाये। अब साहब क्या करें, बालक हुए पन जग में आए कमल पत्र पर आसन लाए। नीरू नीमा जुलाहा कहे भक्त हेत ताके ग्रह गए। खान पान पुन करे नाए दिन दिन अंग बढ़त पुन जाई। अब साहब क्या करे, खान पान भी नहीं करता था पर मैं बड़ा होता गया। सुपर सुदर्शन अब नीमा नीरू के यहां क्यों आए। सुपर सुदर्शन बहुत भक्त थे, सुपज जाति के थे। उन्होंने साहब से कहा मेरे माता पिता को भी दीक्षा दो। पर माता पिता सरगुण उपासना में थे, उन्होंने बात नहीं मानी। पर साहब ने कहा ठीक है तुम्हारे माता पिता को उतारेंगे। दूसरा जन्म उन्होंने ब्राह्मण ब्राह्मणी का लिया, ये भी वृतांत में आता है। तो संतान नहीं थी और वो ब्राह्मणी सूर्य की उपासना करती थी। जब झोली यूं करके वो उपासना कर रही थी तो साहब कह रहे बालक रूप होकर मैं गोद में आया। उन्होंने भी मेरी बात को तब ध्यान में नहीं सुना समझा, मैं फिर गुप्त हो गया। तीसरे जन्म में वो एक गरीब के घर में जन्म लिया उन्होंने। मैं उनके यहाँ फिर बालक रूप में पहुंचा। उन्होंने उनकी कंगाली दूर करने के लिए रोज एक मोहर सराहने से मिलती थी, लेकिन मैं उनको भी ज्ञान दिया, ज्ञान उन्होंने माना नहीं। चौथे जन्म में बोला ये नीमा नीरू प्रकट हुए, पर इन बातों को जल्दी दुनिया स्वीकार नहीं करती है। जब मोकलावे में नीरू नीमा को लेकर आ रहा था तो काशी का वो तालाब 500 एकड़ में था, लहरताल। आज एक एकड़ में भी नहीं है, वो तालाब 500 एकड़ में था। आज वो एक नाला बन गया है, लोगों ने इनक्रोच कर दिया। प्यास लगी नीमा जब पानी पीने गई वहां साहब मिला कमल के पत्ते पर, यही बात बोल रहे हैं। जब बालक सुंदर देखकर नीमा उसको उठा लाई, नीरू ने कहा भाई ये क्या है। बोला ये बालक वहां कमल पत्र पर हाथ पांव चला रहा, बड़ा सुंदर है, मैं इसको देखा ले आई हूं। नीरू ने कहा भाई नहीं इसको छोड़ो, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे कि मोकलावे के समय ही नीरू की पत्नी के पास एक बच्चा था, नगर मेरी मजाक उड़ाएगा, इसको वहीं छोड़ के आओ। नीमा ने कहा नहीं ये बड़ा सुंदर बालक है, इसको मैं साथ ले चलूंगी। नारी हृदय वैसे भी उसमें दया होती है। आखिरी हथियार इस्तेमाल किया, नीरू नीमा को मारने लगा। नीमा बिचारी जब छोड़ने लगी तो यहां शब्द है तब साहेब हंकारिया, यानी तब साहेब ने बोला पूर्व जन्म की प्रीत से, बोला पूर्व जन्म के कारण से मैं तुम्हें मिला हुआ मोको, मुक्ति संदेश बताओ ले चल मोको साथ। तब बालक को बोलते देखकर दोनों प्रभावित हुए, वो लाए थे। इस तरह साहब ने मां के पेट में कभी जन्म नहीं लिया, यही तो शख्सियत है साहब की। वाह, इस प्रकार से बोला ये धनदास मैं आया हूं और तुम्हें मिला हूं, अभी चल से मैं चले आया, कोई भेद बरम ना पाया। ना हम रहले मात गर्भ में बालक होए दिखलाया, काशी तख्त सरोवर ऊपर तहां जुलाहा पाया। ना हमरे मात पिता है ना गृही ना दासी, नीरू के घर नाम धराया जग में हो गई हांसी। वाह, तो इस प्रकार से साहब आए और कई प्रमाण दिए जिसे साहित्यकारों ने कभी नहीं दर्शाया। एक बात आप सोचें, काशी का राजा वीर सिंह बघेल साहब का अनुयायी हुआ,
आप सोचें, अवध का नवाब बिजली खान पठान और 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोध वंश का राज्य था, सिकंदर लोधी, पीर तकी, शेख तकी, उनसे दीक्षा लिए, दोनों दीन के पीर, एक वो शख्सियत थे। उन्होंने आकर एक स्पेशल ताकत के बारे में बताया कि गुरु ये ताकत तुम में लाकर रोपेगा, वाह ये नाम, तभी तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, नाम बिना हृदय शुद्ध। नाम को स्थापित किया, गुरु का महात्म स्थापित किया, उससे पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। तो वो नाम कहा और रहन गहन पर कहा, वाह। गण गंधर्व साथ में क्या करें, ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा, पीर पैगंबर कुतुब अलिया, काल निरंजन सबको दलिया, जोगी जति वाह, सिद्ध साधक और जोगी जति आगे खोज न पाए रहती। साहिब कह रहे मैं वहां से चला आया हूं, बड़ी लाजवाब बात है, उनकी वाणियां उनमें कई रहस्य मिलते हैं, पर लोग उनको क्या सोचते हैं, ऐसे ही बाईपास करके चलते हैं। तो बंधुओं इस तरह वो नाम एक एलिमेंट है जो गुरु थ्रू कंसंट्रेशन तुम तक पहुंचाता है। मेरी आवाज आपके पास स्पेस में आ रही है हवा के द्वारा, और मेरा दृश्य भी आपके पास आकाश तत्व के कारण आ रहा है। इस तरह से वो नाम अकह है, वाणी का विषय नहीं, उसी की महत्ता कही। और सभी संतों ने फिर एक गुरु भक्ति और नाम का महात्म बोला। साहेब फिर वाणी में कह रहे नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व से अमृत हो। तो बंधुओं इस प्रकार साहेब ने उस भक्ति को स्थापित किया। मैं कल पुनः हाजिर हूँगा। अगले मैंने जो नामदान है वो 2 मार्च को होगा, मैं 4 मार्च बोल दिया था, ये दीक्षा पुनः 2 मार्च ही होगी। अब मैं धीरे धीरे अगल बगल से प्रोग्राम छोटे छोटे सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। अभी हर आश्रमों में पूर्व वक्त जैसे प्रोग्राम चलते थे वैसे चलेंगे। अभी मैं कुछ आश्रमों में विजिट भी किया हूँ, 10 तारीख को मेरे कुछ प्रोग्राम भी हैं, वो प्रोग्राम होंगे कैलेंडर के अनुसार। पर जयपुर इस बार थोड़ा मैं नहीं जा रहा हूँ, अगला प्रोग्राम जयपुर का देने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ लोग बेचारे बड़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं और गुरुदर्शन के लिए आते हैं, मैं चाहता हूँ उनका पैसा खर्चा ना हो, मैं खुद जाऊँ। इसी श्रृंखला में मैं पहले हर जगह चक्कर लगाता था, तो अभी मैं पुनः आपके पास हाजिर हुआ करूँ साहब।